नमस्कार दोस्तों, आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है DDU ग्राम ज्योति योजना। तो ये DDU क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी है तो उसको मैंने DDU करके बहुत शॉर्ट में लिखा है। आप भी इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें वैसे भी तो हमें सिर्फ प्रीलिम का क्वेश्चन ही टैकल करना है, तो ज़्यादा फुल फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद को समझ आया तो ये बहुत है, ठीक है। DDU ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये आती है। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू फैसिलिटेट 24/7 सप्लाई ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगी दो टू फैसिलिट द 24/7 सप्लाई ऑफ पावर। टू की कंपोनेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज द फीडर सेपरेशन, दैट इज सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड सब ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग। देखिए, फीडर सेपरेशन और सब ट्रांसमिशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना, ये दोनों इसके की कंपोनेंट्स है। इन रूरल एरियाज टू ऑल विलेजेस, ठीक है। तो अब इसके नाम में ही ग्राम ज्योति था तो उससे हमें अंदाजा आना चाहिए कि सिर्फ रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट हो रही है। जो हमारे शहरी एरियाज है वहाँ पे अर्बन में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मीटरिंग एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे हमें मीटर्स बनाने हैं। इनपुट फीडर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे अगर मीटरिंग रहेगा तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है वगैरह वगैरह, और वो ध्यान में रख के हमें सारे लेवल्स पे मीटरिंग करवाना है। ये भी इसका एक कंपोनेंट है। ऑफ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो अंडर इट, तो जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड नहीं पहुँचा है वहाँ पे ऑफ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। देखो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये मैंने दूसरी एक स्कीम थी उसमें भी इसके बारे में समझाया था, ठीक है। आपको याद है वो कौन सी स्कीम थी? अगर आपको याद है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हमने यही सीरीज़ में, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट सीरीज़ है, अगर आप उसके गवर्नमेंट स्कीम की जो सीरीज़ है, अगर आप उसके लेक्चर नंबर 1 से लेके अभी तक के सारे लेक्चर देखे होंगे तो उसी में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन का मेंशन हुआ है एक वीडियो में। तो अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकता है कि मैंने ये स्कीम में RECL के बारे में बोला था और अभी वापस ग्राम ज्योति योजना में भी RECL की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल डिस्कॉम्स इंक्लूडिंग प्राइवेट डिस्कॉम्स आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम। तो सारे डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। समझ गए क्या होने वाला है? DDU ग्राम ज्योति योजना में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हमें विलेज के तौर पर हमें 24/7 पावर सप्लाई को इंश्योर करना है। ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इसमें दो की कंपोनेंट्स है, फीडर सेपरेशन, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड हाउसहोल्ड सेपरेशन, एंड सब ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग। तो ये कैसे करेंगे? तो डिस्कॉम्स को हम फंडिंग देंगे, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ताकि वो ये सारी चीज़ें आगे अच्छे से मेंटेन कर पाए। What is the node implementing agency for DDU Gram Jyoti Yojana? That is Rural Electrification Corporation Limited. RECL is the implementing agency. और एक की component क्या है कि off-grid distribution. It is also component of DDU Gram Jyoti Yojana. ठीक है, आई होप आपको ये स्कीम अच्छे से समझ आई होगी और आपने ये सारे पॉइंट्स जो है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उनको नोट भी किया होगा। Thank you.